Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. बिहार वाले गर्व से सीना फुला कर कहते थे कि सबसे बड़ा शातिर ठग नटवर लाल हमारे सिवान के थे। इतने शातिर की डब्बा बंद और अंदर का माल गोल, कहिए कि ठगी में गुरु थे गुरु। इसी बात को सुनकर लगता है मैनेजर साहब ने दिल पर ले लिया और चले ठगी में गुरु बनने, और बन गए गुरु घंटाल। तो हुआ यूं कि कानपुर के कराची खाना सेंट्रल बैंक में उस वक्त हाहाकार मच गया जब वहीं के 9 लॉकर धारकों के लॉकर से करोड़ों के जेवर गायब हो गए। हंगामा मचा, बवाल हुआ और पुलिस जांच करने बैठी। किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मामले में जब तफ्तीश शुरू हुई तो कहानी परत दर परत खुलती चली गई। इस घटनाक्रम को एकदम फिल्मी तरीके से अंजाम दिया गया। इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने में 5 लोगों का अपना अपना अहम रोल निर्धारित कर दिया गया, जिसमें बैंक मैनेजर रामप्रसाद, गोदरेज कंपनी का वेंडर चंद्र प्रकाश, करण और राकेश शामिल है, जबकि अहम भूमिका निभाने वाले लॉकर इंचार्ज शुभम अभी भी फरार है। दावा किया जा रहा है कि पहले बैंक मैनेजर रामप्रसाद और शुभम ने मिलकर प्लान तैयार किया, फिर उन्होंने गोदरेज कंपनी के वेंडर चंद्र प्रकाश को लॉकर खोलने की जिम्मेदारी दी, जिसके एवज में उसे 300 ग्राम सोना दिया गया। इस प्लान में इन दोनों का साथ बैंक के 2 और कर्मी करण और राकेश दे रहे थे। पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो कहानी साफ हो गई और पुलिस ने 5 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया और लॉकर इंचार्ज अभी भी गायब है। लगभग 3 FIR जो हम लोगों ने लिखाई, फिर SIT का गठन किया है, और जो टोटल कंप्लेंट्स आई है लोगों की वो 9 थी। तो हम 9 कंप्लेंट को संज्ञान में लेते हुए जो विवेचना हम लोगों ने और जो गहनता से पूछताछ और सारी चीज़ें उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। चूँकि बैंक लॉकर जो ऐसी चीज़ है जहाँ पे ऑथराइज एंट्री ही हो सकती है, उसको पहले हम लोगों ने वेरीफाई किया, कहीं किसी प्रकार से कोई अनऑथराइज एंट्री नहीं पाई गई, जो ऑथराइज एंट्री ही थी वही है। उसके बाद हम लोगों ने जो बैंक के कर्मचारी थे उनसे पूछताछ करना चालू किया। तो अभी हम लोगों ने 4 लोग जो हैं, जो 9/12/2021 को एक ब्रेक इन प्रोसीजर हुआ था उसी के दौरान ही हमें ये अनियमितताएं पाई गई, और जो 29 लॉकर उस दिन खोले जाए थे उसी में हम लोगों को लगभग 7 लॉकर ऐसे मिले हैं जो अनाधिकृत रूप से खोले गए हैं, और हम लोग बैंक के कर्मचारियों से और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, और जो इनके द्वारा जो ज्वेलरी इसमें मिली थी वो कहाँ बेची गई और कैसे उसका धन अर्जित किया गया उसकी हम लोग डिटेल से पूछताछ कर रहे हैं। आएगा तो सबसे पहले हमें डाउट यही आएगा कि कहीं कोई किसी प्रकार से उसमें अनऑथराइज एंट्री तो नहीं हुई, जो नहीं पाई गई। फिर ऑथराइज लोगों से हमने जो पूछताछ करना स्टार्ट किया तो कई सारी अनियमितताएं जो लॉकर्स के रजिस्टर में और जो पूछताछ में पाई, उसी के बाद ही जब हम लोगों ने इनसे और गहनता से पूछताछ की तो इन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे 9/12 को ये इन लोगों ने किया था इस प्रकार से, और हम लोग जल्द से जल्द इसमें रिकवरी करें। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, UP तक।